मीठापुर ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। कई घरों पर बुलडोजर चलने की संभावना है। अभियान से पहले स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। एक बार फिर से आपको बता दें कि मीठापुर ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण अभियान शुरू हो गया। इससे पहले भी अतिक्रमण अभियान जब टीम करने गई थी, प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी हुई थी, हमला किया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा, और अभियान से पहले स्थानीय लोगों ने फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कई सारे लोग वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि जो लोग अवैध निर्माण या फिर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके घरों को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, और अतिक्रमणकारियों के जो घर है उनको तोड़ा जा रहा है। और इससे पहले ही प्रदर्शन और नारेबाजी वहां के स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। कई जो टीम है वो वहां पर कैंप कर रही है, और ये तस्वीर भी दिखला रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां पर विरोध प्रदर्शन में प्रशासन की टीम के सामने कई सारे लोग उतर आए हैं। स्थानीय लोग वहां पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो उनका घर है और वो उसको किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे। 30 फीट पुल बना है, हम लोग के तरफ 90 फीट जमीन ले रहा है, तो ये अराजकता नहीं है तो क्या है? डिमांड हम लोग का है कि कम से कम पुल भी बने, 30 फीट पुल भी बने और मकान भी बचे। तो अगर हम लोग विकास के काम अवरोध नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा 10 फीट जमीन दीजिए, पुल भी बनाइए, मकान भी रहने दीजिए, मकान रोजगार रहेगा तभी ना पेट पलाएगा। तो कई लोगों के मकान ध्वस्त भी किए गए, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने साफ तौर पर मांग किया है कि उनका घर नहीं टूटना चाहिए। विकास का कार्य हो रहा है, पुल बना रही है सरकार, तो वो बनाए, निर्माण करवाए, लेकिन उनके घर भी बचे, ये गुहार लगाई जा रही है प्रशासन के पास ये लोग लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कई लोगों के घर को ध्वस्त भी कर दिया गया, और विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब मीठापुर ओवर ब्रिज के पास पुलिस प्रशासन की टीम गई थी, तो स्थानीय लोगों ने पथराव किया था, जमकर नारेबाजी की थी, और वहां पर कई जो थानों की पुलिस थी उससे कैंप करना पड़ा था। और अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मरगूब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मरगूब, मीठापुर ओवरब्रिज के पास अतिक्रमण अभियान एक बार फिर से शुरू हो गया है। पिछली बार की बात करें तो लोगों ने पत्थरबाजी की थी, इस बार लोग सड़कों पर उतर आए हैं मांग लेकर। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है और क्या कुछ इस वक्त वहां पर लोगों की मांग है? देखिए रोजी, बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ मजिस्ट्रेट सभी मौजूद हैं, और लगातार कह सकते हैं कि पक्के घरों पर यहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। जो तस्वीर सबसे पहले कशिश के पास आप देख सकते हैं, लगभग कई घरों को डिमोलाइज कर दिया गया है, कई घरों को तोड़ दिया गया है, बिल्कुल पक्के घर हैं, और लोगों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। लोग यहाँ हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक कोरोना की मार है, दूसरी तरफ लोग यहाँ खाने को मजबूर है और उनके घरों को छीना जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हंगामा के बीच पुलिस के साथ लोगों की झड़प हो गई है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, यहाँ महिला पुलिस तैनात है, और लोग अभी भी यहाँ जमे हुए हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लेके और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ऋषि कहीं ना कहीं हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच भारी संख्या में पुलिस फोर्स फिलहाल मौके पर मौजूद है, और लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ से हट नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये विरोध लगातार कह सकते बढ़ता चला जा रहा है। पिछले बार भी आपको पता होगा किस तरीके से यहाँ वाटर कैनन से ढोले गए थे, यहाँ हालात काफी गंभीर हो गए थे, लेकिन अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। तो फिलहाल भारी हंगामे के बीच यहाँ प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पुलिस की पूरी फोर्स मौजूद है, जिससे भी लगातार जो घर है उस घरों पर जिसे भी चलाया जा रहा है, वाटर कैनन के साथ पुलिस की फोर्स मौजूद है, और हर परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस के अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी हालत में और अतिक्रमण को हटाना है। और फिलहाल कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने घरों को खाली कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, और यही विरोध के कारण को देखते हुए कि काफी हंगामा न हो, भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ, वाटर कैनन के साथ, परिवहन के साथ पुलिसकर्मी अधिकारियों को लगाया गया है, और फिलहाल यहाँ लोगों के साथ प्रारंभिक तौर पर झड़प भी हुई है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने यहाँ मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले को शांत कराने की कोशिश करी, लेकिन लोगों का विरोध जारी है। उनका कहना है कि आशियाना उनका काफी पुराना है, जिसे ना तोड़ा जाए। हालांकि अगर सरकार विकास करती है, पुलों का निर्माण कराए, लेकिन उनके आशियानों को ना तोड़ा जाए, विरोध किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन की टीम भी कैंप वहां पर की हुई है। पुलिस पूरी तरह से तैयार है और अतिक्रमण का भी काम किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारियों के लिए। मीठापुर की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां अतिक्रमण किया जा रहा है और विरोध में कई लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से तैयार है।